नजम सेठी की भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबरा जय शाह से मुतल्लिक तंजिया ट्वीट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के सदर और सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जय शाह पर तंज किया है। जय शाह ने आज एशियन क्रिकेट काउंसिल के जेर इंतजाम होने वाले टूर्नामेंट्स का ऐलान किया था, जिसमें एशिया कप 2023 का ऐलान भी शामिल था, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है। जय शाह की इस ट्वीट पर नजम सेठी ने तंजिया जवाब दिया और लिखा, जय शाह यकतरफा तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना शेड्यूल का ऐलान करने पर शुक्रिया, खास तौर पर एशिया कप 2023 का, जिसका मेजबान पाकिस्तान है। जब आप ये कर ही रहे हैं तो आप हमारे PSL 2023 का ढांचा और कैलेंडर भी पेश कर सकते हैं। इस हवाले से आपका फौरी रद्द अमल काबिले सताइश तसव्वुर किया जाएगा। ख्याल रहे कि एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है। ताहम भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर चुका है, जिसके बाद इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान है। जय शाह ट्वीटेड, प्रेजेंटिंग द एसीसी मीडिया वन पाथवे स्ट्रक्चर एंड क्रिकेट कैलेंडर्स फॉर 2023 एंड 2024। दिस सिग्नल्स आर पैन पैरेलल एफर्ट एंड पैशन टू टेक दिस गेम टू न्यू हाइट्स, विद क्रिकेटर्स अक्रॉस कंट्रीज गियरिंग अप फॉर स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंसेस। इट प्रॉमिसेस टू बी अ गुड टाइम फॉर क्रिकेट। नजम सेठी रिस्पॉन्डेड, थैंक यू एड्रेशा फॉर यूनिलैटरली प्रेजेंटिंग ACC Media One structure and calendars 2023-24, especially relating to Asia Cup 2023, for which Pakistan is the event host. While you are at it, you might as well present structure and calendar of our PSL 2023. A swift response will be appreciated. ताहम इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने वाजह तौर पर कहा था कि एशिया कप की मेजबानी बड़ी कोशिशों के बाद मिली है और एशिया कप पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल नहीं हो सकता। अगर भारत एशिया कप में टीम नहीं भेजेगा तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगा। ख्याल रहे कि जय शाह भारतीय जनता पार्टी के अहम रहनुमा और मौजूदा वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे हैं। हर मुख्तलिफ न्यूज़ अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर खबर रहे आपकी नज़र में।